जय स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा एटम का स्ट्रक्चर। एटम सेंटर में होता है न्यूक्लियस, आसपास में होते हैं ऑर्बिट्स, उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग से कोई भी एटम्स है उस एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा है, सिंपल। जैसे कि हमारा क्लास है, क्लास में जैसे कि फर्स्ट बेंच से वहाँ पे मैक्सिमम 2 स्टूडेंट बैठ सकते हैं या 3 बैठ सकते हैं। सेकंड है थोड़ा सा बड़ा है, 5 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, 4 बैठ सकते हैं। वैसे एटम्स में ऑर्बिट्स की डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी होती है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड में 8 आ सकते हैं। ये 9, 10 तक आपको याद रखना है कि 4 ऑर्बिट्स। 11, 12 में कंसेप्ट डिटेल में आता है, बहुत सारी ऑर्बिट्स भी आती है। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट को बोलते हैं हम K, सेकंड को L, थर्ड को M, फोर्थ को N। सिंपल, K, L, M, N। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो वो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलो तो हम फिर देखते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर है 1, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। सेकंड थिंग्स, जितने ही एटम्स में जितने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने होंगे प्रोटॉन्स, या फिर बोल सकते हो जितने प्रोटॉन हैं उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स दोनों नंबर सेम ही होते हैं, चाहे वो 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो 15 प्रोटॉन्स, 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 प्रोटॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 प्रोटॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर है 1, मतलब कि प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन्स भी 1, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन 1। हीलियम, हीलियम्स में एटम है, एटॉमिक नंबर हीलियम्स का 2 है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 2 ही होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, मतलब इलेक्ट्रॉन 3 है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया है स्टूडेंट्स, तो अब जो न्यू इलेक्ट्रॉन आएगा वो जाएगा सेकंड ऑर्बिट में, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एंड जो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा ये है सेकंड ऑर्बिट में, मतलब 2 1। इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम, सिंपल। बेरिलियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2। बोरॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 3। याद रखना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिलअप करना है, 2 तो हो गया। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, अभी तक तो सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन तक तो पहुँचे ही नहीं है, तो आराम से जाते हैं। कार्बन एटॉमिक नंबर है 6, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 2 4। नाइट्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया है, सेकंड ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स आएगा, 5, 2 एंड 5 7 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन 2 5। ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड ऑर्बिट में कितने आएंगे, 6 आएंगे, तो 8 हो जाएगा, 2 एंड 6 8। फ्लोरीन 2 7, रीजन फर्स्ट ऑर्बिट में 2 आ गए, सेकंड में 7, 2 एंड 7 9। नियॉन 2 8, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो नियॉन तक फर्स्ट ऑर्बिट फुलफिल है, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट भी फुलफिल है। अब जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो सेकंड ऑर्बिट में नहीं होगा, वो न्यू ऑर्बिट्स में जाएगा। ओके, तो सोडियम का एग्जांपल, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मतलब कि सोडियम में 2 8, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो वो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा ऐसे 1, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 8 1। एज यूजुअल्स मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 2। सिंपल,